नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको टच कर दीजिए और साथ में बेल के आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है और सब्सक्राइबर जो है उन्होंने हमको पूछा था कि वीडियोकॉन D2H का जो सेट टॉप बॉक्स है, क्या उन सेट टॉप बॉक्स को हम DD फ्री डिश में यूज़ कर सकते हैं और उसमें फ्री में चैनल देख सकते हैं DD फ्री डिश का। तो चलिए इसमें हम पूरा सेटअप करके दिखाएंगे और सेटिंग करने के लिए और इसकी जो सिक्योरिटी सेटअप है उसको ऑन करने के लिए एक सिक्योरिटी कोड की ज़रूरत होता है। हर एक बॉक्स का अलग अलग सिक्योरिटी कोड होता है, वो कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो भी हम आपको बताएँगे सेटअप करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा सेटिंग करके बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको जो है पता नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं जो सेटअप है उसमें कौन सा सिक्योरिटी कोड लगता है। मेनली इसमें दो सिक्योरिटी कोड लगता है, एक तो जनरल कोड होता है और एक कोड जो है आपके बॉक्स में रहता है। तो ये जो है सेटअप ऑन किया है, सबसे पहले आप सेटअप में जाइए और ओके कीजिए। ओके करने के बाद इस तरह का पेज आएगा और एकदम नीचे इंस्टॉलेशन में यहाँ आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ आपको कोड मांगेगा, यहाँ आपको 1234 ये कोड दे देना है। उसके बाद इस तरह का पेज आ जाएगा और इसके बाद आपको जाना है बॉक्स सेटिंग में। बॉक्स सेटिंग में ओके करना है। उसके बाद सैटेलाइट मैनेजमेंट, यहाँ आप ओके कीजिएगा तो और एक कोड जो है आपको देना पड़ेगा। तो ये जो कोड है ये कोड आपके बॉक्स में ही रहता है, इस कोड को कहाँ से मिलेगा वो भी हम बता देंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है हम कोड डाल के पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सभी बॉक्स का जो है अलग अलग कोड होता है। तो इस तरह से पेज आ जाएगा और पूरा सेटअप खुल जाएगा। तो यहाँ जो सेटिंग चेंज करना है यूनिवर्सल कर देते हैं, LNB का LNB पावर ऑन, डिस्क्रिप्टिव स्विच ऑफ, बाइस के ऑफ, और यहाँ जो ट्रांसपोंडर है यहाँ ट्रांसपोंडर हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए ओके करने के बाद यहाँ जो DD फ्री डिश का जो ट्रांसपोंडर है उस ट्रांसपोंडर को यह हम ऐड कर देते हैं येलो बटन से 11090। अब ओके कर दिया। उसके बाद इसकी जो पोलरिटी है उसको हम चेंज करके वर्टिकल कर देते हैं, वर्टिकल। उसके बाद जो सिंबल रेट है, सिंबल रेट हम यह दे देते हैं 29500। अब ओके करते हैं तो यह देखिए सिग्नल आ गया। ये जो सिग्नल है ये DD फ्री डिश का सिग्नल है। तो आप इस तरह से जो है सेटअप को ऑन करके आप सिग्नल ला सकते हैं सेट टॉप बॉक्स में। तो हमने जो भी सेटअप चेंज किए हैं इस सेटअप को सेव करने के लिए ओके बटन प्रेस करना है और ओके बटन प्रेस करके इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यह मैसेज दे रहा है तो यस करके हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद जो है इसको स्कैन करके देखते हैं इसमें चैनल आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब आपको चैनल स्कैन करने के लिए रिमोट में जो ग्रीन बटन है उस बटन को प्रेस करना है और प्रेस करते ही जो है एक मैसेज देगा आपको इस तरह से। और इस मैसेज को देने के बाद आप ओके प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो सेट टॉप बॉक्स है वो स्कैन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए स्कैन जो है स्टार्टिंग हो गया, देखिए सिग्नल भी आ गया इसमें। तो ये जो है स्कैन हो रहा है अभी। तो इस तरह से आप जो है एक बार स्कैन करके देख सकते हैं। तो स्कैनिंग को हम कंप्लीट होने देते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया और इसमें एक भी चैनल नहीं आए हैं। तो जितने भी व्यूअर्स थे और सब्सक्राइबर थे जिनके मन में सवाल था क्या हम सेट टॉप बॉक्स चला सकते हैं DD फ्री डिश में वीडियोकॉन D2H का, तो उन सबको कहेंगे आप जो है इसको ओपन करने के बाद भी DD फ्री डिश में नहीं चला सकते हैं। अगर आपको कुछ सेटअप चेंज करना है तो इसके जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको यह जो स्मार्ट कार्ड है स्मार्ट कार्ड को ओपन कीजिए और यह जो नंबर लिखा है
इस नंबर में आपको सिक्योरिटी कोड मिल जाएगा। तो यहाँ जो पहला तीन नंबर है, इस तीन नंबर को छोड़ दीजिए, उसके बाद चौथा नंबर लीजिए, पाँचवा छोड़ के छठा नंबर लीजिए, सातवा छोड़ के आठवा नंबर लीजिए और नौवा छोड़ के दसवा जो नंबर है वो लीजिए, तो आपका जो है 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड बन जाएगा। तो आप जो है इस तरह से सिक्योरिटी कोड बना सकते हैं, सबका नंबर अलग अलग है, इसी तरह से आप जो है बनाइए। तो DTS से जुड़े और भी कोई सवाल है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ इसी चैनल में, तब तक के लिए गुड बाय। आप